Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we would be discussing the top 10 important case laws or judgments of Supreme Court in 2022 in this video. जैसा कि आपको पता है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, बी इट CUET, PG, CUET, LLM, एनी एग्जाम जुडिशरी. सो ये आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ वॉज बुद्धादेव कर्मास्कर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. सो आई हैव डिस्कस्ड दिस केस इन माई इनिशियल वीडियोज ऑल्सो. तो इस केस में आपके जो जजेस की बेंच थी उसमें थे जस्टिस L. नागेश्वर राव, BR गवई एंड AS पोपन्ना. सो इसमें जो सेक्स वर्कर्स हैं दे वर रिकॉग्नाइज्ड, यू नो, सेक्स वर्क वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन. उसके साथ साथ ये भी बोला गया था कि जो भी सेक्स वर्कर्स हैं एग्जिस्टिंग उनको UIDAI को बोला गया था कि इनको आधार कार्ड इशू कराया जाए, और बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी कि कैसे इनकी अच्छे से लाइफ, यू नो, फॉर द कंफर्टेबल लिविंग ऑफ द चिल्ड्रन क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को. सो ये इस केस में आपका आया था. सेकेंड केस लॉ जो आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. सो जो आपको पता है आज के टाइम पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिलता है इन द जनरल, अप टू 10% इन द जनरल कैटेगरी. सो ये आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुआ था. सो इस केस में कोर्ट ने इसको जो 133rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करा था और बोला था कि इसमें आपका काफ़ी क्योंकि अपलिफ्टमेंट चाहिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, तो ये आपका वैलिड है और इट डजंट वॉयलेट दी गाइडलाइंस जो इंदिरा सोनी केस में आपकी रिजर्वेशन में 50% सीलिंग की गाइडलाइन आई थी. और इसमें आपके जो डिसेंटिंग जजेस थे वो बहुत ज़रूरी है, जो उस टाइम के एक्स चीफ जस्टिस जस्टिस UU ललित एंड भट्ट थे, ये इसमें आपके जस्टिस भट्ट ये आपके इसमें डिसेंटिंग जजेस थे. तो आपको पता होना चाहिए कई बार डिसेंटिंग जजेस पूछ लेते हैं. फेवर में जिनके जजेस थे वो जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी एंड जस्टिस पर्दीवाला. नेक्स्ट केस लॉ जो आपका है वो है SG वोम्बाट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इसकी जो बेंच थी उसमें आपके फॉर्मर CJI NV रमना एंड जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस हिमा कोहली थे. सो इसमें गवर्नमेंट ने जो आपका सेक्शन 124A है जो हम सुनते हैं इस पे सेडिशन लग गया उस पे सेडिशन लग गया, उस केस लॉ को कोर्ट ने एनालाइज किया था कि क्या सेडिशन केस लॉ को जो कॉलोनियल एरा का केस लॉ है इसको आज के टाइम पे एग्जिस्ट करना चाहिए. तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को इसमें डायरेक्शन दिया कि आप इस केस लॉ को एग्जामिन करिए और जब तक ये एग्जामिन हो रहा है तब तक इस पे कोई फर्दर केस रजिस्टर ना हो. अगर किसी पे होता है वो कोर्ट को जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ इसमें केस रजिस्टर हो गया है. और जो भी एग्जिस्टिंग केसेस हैं उन दे वर केप्ट इन अबेयंस कि जब तक ये चल रहा है दे वुड नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर. फोर्थ केस लॉ जो आपका है वो है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेज शैलेंद्र कुमार राय. इसमें आपके जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी CJI हैं करेंटली एंड जस्टिस हिमा कोहली थे. सो इसमें जो एक विक्टिम्स रेप विक्टिम्स का 2-finger टेस्ट होता है टू चेक वेदर दे हैव बीन रेप्ड एंड द प्रोसीजर, वो चीज़ 2-finger टेस्ट को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है एंड बोला है इट रीविक्टमाइजेज एंड री ट्रामाटाइजेज द रेप विक्टिम्स. तो ये नहीं होना चाहिए. वैसे ये आपका लीलू वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में पहले हो चुका है कि इसको कोर्ट ने 2013 में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के इलीगल करके इसको बैन कर दिया था, बट स्टिल दोबारा एक कंसिडरेशन में आया तो कोर्ट ने वही चीज़ रीइटरेट करी है. नेक्स्ट केस लो है आपका X वर्सेज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली. सो इसमें जो आपके अबॉर्शंस की बात है, जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, सो उसमें जो उसका सेक्शन 3B है उसमें कोर्ट ने बोला इस केस में कि ये सेक्शन सिर्फ मैरिड वुमेन, डिवोर्स्ड वुमेन या रेप्ड वुमेन को नहीं लगेगा. इवन अ नॉर्मल अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो अप्रोच द कोर्ट फॉर अबॉर्शन अप टू 24 weeks ऑफ द प्रेगनेंसी. नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो हमने हिजाब बैन का काफ़ी अप्रोर था उस पर, यह है अयशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो इसमें आपकी दो बेंच, मतलब दो जजेस की बेंच थी,
तो देयर वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट, जो आपका जस्टिस हेमंत गुप्ता थे उन्होंने अपहेल्ड किया था, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट था कि ये जो बैन है ये रहेगा, मतलब गर्ल्स वुड नॉट बी अलाउड टू वेयर हिजाब एंड गो टू दी स्कूल. वेयर एज जो जस्टिस सुधांशु धुलिया थे उन्होंने ये चीज़ को बोला कि इट इज़ द बैन शुड नॉट बी देयर, इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस. अब ये स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया, सो दिस मैटर हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर दी CJI कि ये एक फर्दर हायर बेंच को, लार्जर बेंच को रादर रेफर किया जाए. नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट सेवन्थ केस लॉ जो इम्पॉर्टेंट है वो है जेकब पुलियाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. जो आपका सेवेंथ केस लॉ है वो है जेकब पुलियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें आपके जो बेंच थी वो टू जज बेंच थी, जस्टिस एल नागेश्वर राव वर्सेस बी एन गर्ग. तो इसमें कोर्ट ने बोला कि कोई भी इंडिविजुअल को हम फोर्स नहीं कर सकते टू गेट देयर कोविड वैक्सीनेशंस. एट आपका जो केस लॉ है वो है सत्येंद्र कुमार वर्सेज CBI. इसमें टू जज बेंच है, जस्टिस संजय किशन कौल वर्सेज MM सुदेश. इसमें कोर्ट ने बोला दैट यू नो अभी हम देखते हैं कि काफ़ी बेल केसेस पेंडिंग होते हैं, देर आर मेनी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो कि अंदर ही हैं, उनकी बेल नहीं हो पा रही है. सो जो भी ये प्रोविजंस हैं बेल के, इसको दोबारा से यू नो एक गाइडलाइंस इसमें सेट आउट करी है कि किस तरह से जो कि पीपल सफर, जो कि इतने प्रिविलेज नहीं है, उनको कैसे ईजिली बेल ग्रांट की जाए. नेक्स्ट है आपका नाइन्थ केस है अरुणाचल गोंडर वर्सेस पोन्नुस्वामी. इसमें जो आपके, आपको पता है लाइक आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट डॉटर्स हैव एन इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी, इन द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, बट दिस केस वाज रिलेटेड टू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो आदमी ने खुद से कमाई है. सो इफ देर इज अ मेल हु इज डाइंग इंटरस्टेट एंड ही हैज हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले एक्वायर करी है, उस प्रॉपर्टी को भी हम हम विमेन को या उनकी डॉटर्स वाइफ ऑल दी विमेन दे हैव अ राइट रादर देन दी इट वुडंट बी डिवॉल्व बाय सर्वाइवरशिप, इट विल गो बाय टेस्टामेंट्री सक्सेशन. और विमेन को बिल्कुल, डॉटर्स को उस प्रॉपर्टी में, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलेगा. लास्ट केस नाइन्थ केस जो हम देखेंगे आपका टेंथ केस सॉरी वो है विजय मंदलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें हम देखते हैं आजकल ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसके पास काफ़ी सारी पावर आ गई है, इस बॉडी के पास, इन काफ़ी लोगों पे केस ED करती है. तो इनकी जो पावर थी इसको कर्ब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, तो इसमें कोर्ट ने बोला कि जो भी पावर, वास्ट पावर ED को आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दी गई है, इट इज़ वैलिड एंड दे कैन एक्सरसाइज इट एंड दे कैन एक्ट ऑन इट. सो ये आपके 10 केस लॉस थे. आई वुड बी कमिंग विथ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो भी मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ लीगली हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग. सो आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प टू यू. सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड post any comment if you think there is something I missed out or any suggestion that you want to give in. Thank you and all the best for your exams. Have a nice day.